गर्ल्स पावर लेडीज जिम, जहां कार्डियो वेट मैनेजमेंट, फ्लोर एक्टिविटीज, स्ट्रेंथ और पर्सनल ट्रेनिंग, बेसिक डाइट एंड इंच कार्ड विथ एट्रैक्टिव पैकेज के साथ जिम ट्रेनिंग कोर्स पर 20% ऑफ, स्मार्ट ट्रेनिंग प्लान और फुल बॉडी चेकअप। साथ ही ब्यूटी पार्लर सर्विस और क्लास पर 30% ऑफ। फिटनेस एंड ब्यूटी लवर्स की पहचान है फॉर द बेस्ट रिजल्ट। ज्वाइन गर्ल्स पावर, बी फिट बी फैबुलस। रक्षक है, वही रक्षक है हमारे मुमरा के। आप इतिहास उठा के देख लो, पैसा कमाने के हिसाब से हमारे मुमरा के बच्चों को खराब कर रहा है। तो उन माँ बाप को पूछो कि उनके ऊपर क्या गुजरती होंगी। ये ड्रग माफिया है, उनके साथ नहीं उनके फोटो है। रैली क्यों निकाल रहे कि कुछ लोगों को मालूम नहीं होगा ना ड्रग्स क्या चीज है। विधायक ही दे रहा है सलमान फालके को संरक्षण। विधायक को पूरा मालूम है कौन ड्रग बेचता है, कौन क्या करता है, सब पूरा मालूम है। और ये पाब्लो एस्कोबार ये मुमरा को खराब करके ही जाने वाला है। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा के आनंद कोलीवाड़ा में राजन कीने के तरफ से जॉब मिलावा रखा गया है। यहाँ पर बड़ी संख्या में नौजवान युवक इस मिलावा में पहुँचे। राजन दादा ने बताया कि अब तक कई युवकों की इस मिलावा के ज़रिए नौकरी भी लग चुकी है, उन्हें सर्टिफिकेट भी दिया जा चुका है। लेकिन साथ ही मुमरा शहर में जिस तरह से ड्रग्स को लेकर मामला चल रहा है, जो सलमान फालके है उसकी एक तस्वीर एक नेता के साथ सामने आई और उसके बाद से ही काफ़ी मुमरा शहर में हलचलें तेज हो गई हैं। ड्रग्स को लेकर भी राजन कीने ने यहां के विधायक पर आरोप लगाते हुए क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। हमारे कल्याण लोकसभा के खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे फाउंडेशन के माध्यम से आज यहाँ पर जॉब फेयर का आयोजन किया गया है। और इस जॉब फेयर में 80 से ऊपर जो है कंपनी के HR आए हुए और 300 के ऊपर यहाँ पर जो बच्चे हैं नौजवान हैं उनके रजिस्ट्रेशन हुए और 90 के ऊपर यहाँ पर बच्चों लोग को अभी नौकरी के लग गई करके सर्टिफिकेट देके उनको रवाना किया गया है। ये जो कंपनियाँ हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ आई हैं, जैसा जूडियो है, टाटा है, LIC है, कोटक है, ऐसी बहुत सारी 80 कंपनियों के HRs यहाँ पर आए हैं। और यहाँ पर समझो आप अनपढ़ भी है तो अनपढ़ से लेके ज़्यादा पढ़े लिखे तक का नौकरी का यहाँ पर इस भव्य मेला रोजगार मेलाओं में ये है कि यहाँ पर किसी को भी नौकरी मिलेगी। जैसे 60 साल का अगर नौजवान भी है, 60 साल का नौजवान, उसको भी यहाँ पर नौकरी मिल सकती है। तो इस जॉब फेयर के लिए मैं समझता हूँ कि श्रीकांत शिंदे फाउंडेशन ने जो ये जॉब फेयर रखा उसमें यहाँ पर जो हमारे इस जॉब फेयर की मेहनत करने वाले हमारे खलील भाई और बिलाल भाई, इन्होंने बहुत अच्छा मेहनत किया है और बहुत अच्छा आयोजन है। और ये आयोजन में हम बच्चों लोग को यही कहेंगे कि आप आपका जो रिज्यूम देकर आप यहाँ पर नौकरी पा लो। आज ही इंटरव्यू हो रहा है, आज ही सिलेक्शन हो रहा है और बच्चे लोग बाकायदा सर्टिफिकेट यहाँ पर बच्चे लोग हैं। अगर आप उनको मिलके अगर उनका इंटरव्यू ले सकते कि देखो कि हम लोग को सर्टिफिकेट मिल गया, हमको नौकरी मिल गई, कल से वो बच्चे काम के लिए रवाना हो जाएंगे। क्या टाइमिंग है, मतलब कभी से स्टार्ट हुआ, कब तक? ये समझो 11 बजे से स्टार्ट हुआ है, यहाँ इसका टाइमिंग 2 बजे तक है, लेकिन हम लोग 1 घंटा बढ़ाएंगे, 3 बजे तक इस रोजगार मेला को ये करेंगे। यहाँ पर क्या है कि सिर्फ पिक्चर जवान पिक्चर दिखा के हम लोग बच्चों लोग को उनका विकास नहीं करेंगे। हम बाकायदा जवानों को, हमारे नौजवानों को यहाँ पर नौकरी दिलाने का काम करके उनका विकास करेंगे। दादा, मुमरा से सलमान फालके नाम का शख्स गिरफ्तार हुआ है ड्रग्स के मामले में और उसके साथ में मुमरा के एक बड़े नेता की तस्वीर सामने आ रही है, उसको लेकर क्या है? आप मैंने पिछली बार भी आपको एक कहा था, एक नार्कोस एक वेब सीरीज वो मेरे लॉकडाउन के पीरियड में मेरे देखने में आया था। उसका वो ड्रग पेडलर था, ड्रग डीलर था पाब्लो एस्कोबार,
आप वो पाब्लो एस्कोबार का कैरेक्टर देखेंगे और हमारे विधायक का कैरेक्टर देखेंगे, सॉरी वो एक उनका जो रहन शैली है, तो आप वो मैच करेंगे कि वो दोनों सेम ही दिख रहे। तो ये जो हमारा मुमरा का जो ड्रग का मसला है, मुमरा में जो ड्रग्स आ रहा है वो 2009 के बाद में आप देखेंगे कि जिस तरीके से मुमरा में ड्रग का व्यापार शुरू हुआ, आप हमारे मुमरा के आप इतिहास उठा के देख लो कि 2009 के पहले हमारे मुमरा के कोई भी बच्चों को रिहाब में नशे के जो नशे के आहार में जाके उसको रिहाब में उसको डालना पड़ा। उस माँ बाप को पूछो कि उनके बच्चों को रिहाब में डालने के लिए पड़ा है 2009 के बाद, तो उन माँ बाप को पूछो कि उनके ऊपर क्या गुजरती होंगी। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर जो जो रक्षक है वही भक्षक है। आप देखेंगे कि जिनके साथ में जो ड्रग डीलर है या ड्रग माफिया है उनके साथ में ही उनके फोटो है। पुलिस प्रशासन के ऊपर यहाँ के विधायक ने जो दबाव बढ़ाना चाहिए वो दबाव नहीं डाल रहे। इसके लिए पुलिस प्रशासन, जब तुम्हारे साथ में ये ड्रग माफिया के फोटो रहेंगे तो पुलिस प्रशासन क्या कार्रवाई करेगी, मेरे को बताओ ना। तो इसके लिए आपको पुलिस प्रशासन के ऊपर जो जोर लगाना चाहिए, दबाव बढ़ाना चाहिए कि आप इसके ऊपर, लेकिन आप दबाव बढ़ाने के लिए है ही नहीं। आप जिनके जो ड्रग डीलर है उनके साथ में ही आपके फोटो है। ये भी बात आती है कि सलमान खान के खिलाफ अभी तक ना कोई मोर्चा निकला ना कोई उसके खिलाफ आंदोलन किया गया। यहाँ पे अगर छोटी भी छोटी चीज़ होती है तो मुमरा के अंदर आंदोलन देखने मिलता है। अभी क्या था कि साबित होता है कि साठ गांठ है, कहीं ना कहीं साठ गांठ तो है ना। बीच में आप देखेंगे कि यहाँ पर पार्टी की तरफ से एक ये निकाला गया था चार पाँच साल पहले एक वो निकाला गया था ना, ड्रग्स के खिलाफ एक प्रोटेस्ट निकाला गया था, रैली निकाली गई थी। लेकिन जो ड्रग वाले हैं वही वो ये सब रैली निकाल रहे हैं। ताकि रैली क्यों निकाल रहे हैं कि कुछ लोगों को मालूम नहीं होएगा ना ड्रग्स क्या चीज़ है, तो रैली के माध्यम से वो बता रहे कि ड्रग्स क्या है, वो समझे MD क्या है, वो रैली निकाल के बताए उन्होंने कि MD क्या है। वो बच्चों को एक उसका एक ये होता है क्यूरियोसिटी होता है और बच्चों उसमें कैसा आगे कोई भी बुरी चीज़ को कोई भी इंसान है तो वो जल्दी एक्सेप्ट कर लेता है बुरी चीज़ को। तो यहाँ पर हमारे जो उनका ऐसा कहना है कि ये फोटो दिखाकर जो है कोई भी खिंचा सकता है आपके साथ में फोटो, नहीं फोटो खिंचा सकता है लेकिन एक फोटो खिंचा सकता है, दो फोटो खिंचा सकता है, तीन फोटो खिंचा सकता है। एक जो एक सर्वसामान्य जो एक युवक रहता है या नौजवान रहता है उसका एक ऐसा रहता है कि कोई भी नेता के साथ में मेरा फोटो होना चाहिए, लेकिन इनका तो हर प्रोग्राम है, हर जो ये है कार्यक्रम है उनके साथ में इनका फोटो है। मैं पुलिस प्रशासन से और इस जो ललित पाटिल है इस जो कांड हुआ है ये ड्रग्स का, इस कांड में जो लोग शामिल हैं उनके ऊपर अच्छी कार्रवाई हो और बाकायदा और जो जिनके साथ में फोटो है उनको भी लेके क्या है कि पूरा जो मामले को चौकसी करे और कार्रवाई हो। जितेंद्र वाड की तरफ से भी CM के साथ में भी तस्वीर दिखाई गई है, अजीत मुल्ला के साथ में भी तस्वीर दिखाई गई है, अबंगे का फोटो दिखाई है, उस पे आपका क्या है? क्या है कि सिद्धू अबंगे ठीक है वो गुनहगार हो सकता है लेकिन ड्रग डीलर नहीं है। यहाँ पर जो लोगों के साथ में फोटो है वो ड्रग डीलर है, तुम ये साबित नहीं कर सकते कि अगर गुनहगार और ड्रग डीलर में बहुत फर्क है। गुनहगार वो अपने अपने हिसाब से वो दादागिरी करने का या क्या करने का वो ये कर, लेकिन ये ड्रग डीलर का क्या करता है, पैसा कमाने के हिसाब से हमारे मुमरा के बच्चों को खराब कर रहा है। उसको ये करो ना, उसका क्लेरिफिकेशन दो ना। सिद्धू अबंगे और एकनाथ शिंदे का फोटो बता के तुम ये नहीं कर सकते, ये साबित नहीं कर सकते कि ड्रग डीलर के साथ में मेरे फोटो है। मैं इसके लिए पहले भी कहा था ये पाब्लो एस्कोबार है और ये पाब्लो एस्कोबार ये मुमरा को खराब करके ही जाने वाला है और उसने आधा खराब किए ले मुमरा को, अभी और पूरा खराब करने का है। NCP के बड़े नेता का हाथ है, जाहिर सी बात है। जब सलमान फालके अगर ड्रग डीलर है, ड्रग बेचता है, तुम्हारा उसके साथ में फोटो है तो तुम उसके अभी तुम उसको ये बोलना मांगते हैं कि उसके साथ में जो कुछ लोगों के फोटो है तुम पुलिस प्रशासन के ऊपर दबा, और लोग हैं जो संरक्षण दे रहे थे सलमान, विधायक है, विधायक ही दे रहे हैं सलमान फालके को संरक्षण, क्योंकि विधायक के साथ में फोटो है। विधायक अगर बोलेगा कि इसके ऊपर कार्रवाई करो, इसके साथ कुछ लोगों के है, विधायक को पूरा मालूम है कौन ड्रग बेचता है, कौन क्या करता है, सब पूरा मालूम है। जब विधायक में विधान भवन में इतना बड़ा 1 किलो ड्रग लेके गया था तो मैं तो बोलता हूँ पहला उसके ऊपर कार्रवाई करो, उसने ड्रग लाया किधर से, विधायक ने उसके ऊपर कार्रवाई करो ना पहले बोला।
उसको ड्रग जब मिलना तो मिलता है, एक किलो या जितना भी जो लेके गया था विधान भवन में, उसने जाहिर किया था विधान भवन में, तो वो ड्रग लाया किधर से, उसके ऊपर उसकी चौकसी होना चाहिए, उसको पहले अटक करो कि वो लाया किधर से।